एक 60 साल की हुई डिंपल, करियर छोड़ अचानक रचा ली थी राजेश खन्ना से शादी। बॉलीवुड की जानी मानी एक ट्रेस रही डिंपल कपाड़िया का आज जन्मदिन है। डिंपल कपाड़िया 61 साल की हो गई है। 8 जून 1957 को हुआ था डिंपल का जन्म। डिंपल जब बॉबी बनकर बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी तो रातों रात स्टार बन गई थी। उसी दौरान डिंपल को राजेश खन्ना से प्यार हो गया और बॉलीवुड की बॉबी मिसेज राजेश खन्ना बन गई। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया दोनों ही 70 के दशक के सेंसेशनल स्टार थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना और उस दौर की हार्ट थ्रोब ऑफ द नेशन डिंपल कपाड़िया ने जब एक दूसरे को डेट करना शुरू किया तो मैगजीन्स के पन्ने कुछ ज्यादा ही रंगीन हो गए थे। 27 मार्च 1973 को धूमधाम से निकली थी राजेश खन्ना की बारात। उस वक्त के सबसे बड़े सितारे की शादी थी, ऐसे में मुंबई की सड़कों का तो जाम होना ही था। पूरी मुंबई राजेश खन्ना के बारात को देखती रहेगी। 70 के दशक की सबसे चर्चित शादी थी ये। सुपरस्टार राजेश खन्ना उस दौर की सेंसेशन बॉबी यानी डिंपल कपाड़िया से शादी रचा रहे थे। राजेश खन्ना और डिंपल की शादी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा था। डिंपल और राजेश खन्ना की बढ़ती नजदीकियों के साथ इंडस्ट्री में दोनों की शादी की खबरें भी उड़ने लगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसकी एक वजह तो डिंपल की उम्र थी, आखिर 16 साल की लड़की जिसकी कोई फिल्म भी रिलीज नहीं हुई, वो शादी का फैसला कैसे कर सकती थी। राजेश खन्ना और डिंपल की दोस्ती हुई तो दोनों मिलने जुलने लगे। उस दौरान राजेश खन्ना इतने पॉपुलर थे कि डिंपल के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर मिलना मुश्किल हो जाता था, इसलिए दोनों अक्सर समुन्दर किनारे सुनसान जगह पर मिला करते थे। और फिर सागर किनारे ही राजेश खन्ना ने डिंपल को अपने नाम की अंगूठी पहना दी थी। बिल्कुल चट मंगनी पट ब्याह वाले अंदाज में हुई थी राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी। डिंपल से मुलाकात के 6 महीने के भीतर ही राजेश खन्ना ने शादी का फैसला कर लिया। तब डिंपल की पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग चल ही रही थी, लेकिन डिंपल कपाड़िया पर राजेश खन्ना का जादू ऐसा चला कि उन्होंने प्यार में अपने करियर की भी परवाह नहीं की। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो शादी के लिए तैयार हो गई थीं। डिंपल ने जब राजेश खन्ना से शादी की ख्वाहिश अपने घर वालों को बताई, लेकिन उनकी मां 16 साल की बेटी की शादी नहीं करना चाहती। उस वक्त राजेश खन्ना डिंपल से उम्र में दुगने बड़े थे। राजेश खन्ना की उम्र तब 31 साल थी और डिंपल का अभी 16वां साल चल रहा था, लेकिन डिंपल के पापा चुन्नीलाल कपाड़िया इस बात से खुश थे कि उनके घर का दामाद राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार बन रहा है। उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर नाच था। आखिरकार डिंपल के मम्मी पापा ने राजेश खन्ना से शादी की मंजूरी दे दी गई। बहुत धूमधाम से सुपरस्टार की बारात निकली थी। चुन्नी भाई के घर जलमहल में बारात का शानदार स्वागत हुआ और फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना ने डिंपल के साथ ले लिए 7 फेरे। राजेश खन्ना उस दौर में इतने बड़े स्टार थे कि उनकी शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई गई थी। डिंपल अपने घर जलमहल से विदा होकर राजेश खन्ना के बंगला आशीर्वाद में पहुंची। वहां वो बिल्कुल एक क्वीन की तरह रहती थी। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार से शादी के बाद डिंपल कपाड़िया की लाइफ पूरी तरह बदल गई। मिसेज राजेश खन्ना बनने के बाद डिंपल बांद्रा के आशीर्वाद बंगले की महारानी बन गई थी। शादी के बाद इसे खास तौर पर राजेश खन्ना ने डिंपल के लिए तैयार करवाया। तब डिंपल के आगे पीछे 20 से ज्यादा नौकर चाकरों की टीम भागती थी। बावर्ची से लेकर ड्रेस डिजाइनर और हेयर स्टाइलिस्ट कर तक डिंपल के एक इशारे पर दौड़े चले आते। 1973 का ये वो दौर था जब राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के चरम पर थे और बॉबी के रिलीज के बाद डिंपल पूरे देश की धड़कन बन चुकी थी। राजेश खन्ना ने डिंपल का फिल्मों में काम नहीं करने को हमेशा डिंपल का अपना फैसला बताया, लेकिन दबी जुबान से ये चर्चा नहीं रुकी कि डिंपल के इस फैसले के पीछे राजेश खन्ना का ही दबाव था। फिल्म इंडस्ट्री में तमाम कानाफूसियों के बावजूद डिंपल हर पार्टी में राजेश खन्ना के हाथ में हाथ डाले खुश दिखती। वो राजेश खन्ना की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ रही थी। डिंपल के प्यार में राजेश खन्ना भी कंप्लीट फैमिली मैन बन चुके थे। 1974 में ट्विंकल, 1977 में रिंकी खन्ना के जन्म के बाद परिवार भी पूरा हो गया। राजेश खन्ना और डिंपल की फेरी टेल वेडिंग बहुत लंबी नहीं चली। 1984 में डिंपल कपाड़िया ने अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया। तलाक नहीं लिया, लेकिन दोनों अलग हो गए।